बिल्कुल ठेले या फिर स्टॉल वाली चटपटी चाउमीन बनाएंगे घर पे साथ ही छोटे छोटे टिप्स भी बताती जाऊंगी जिसकी वजह से बनेगी बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल टेस्ट में और लुक में भी और इतनी खिली खिली फ्रेंड्स स्मोकी फ्लेवर के साथ कि आप मार्केट की खाना भूल जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे पैन में मैंने काफी सारा पानी रख दिया है गर्म होने के लिए जब तक गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे मैं डाल रही हूँ एक टीस्पून नमक मिक्स करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट और टिप आपके लिए ये आता है कि फ्रेंड्स जब पानी में उबाल आना स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद ही इसमें नूडल्स डालना है और दूसरी ज़रूरी पॉइंट ये देखिए मैं पूरा नूडल का बार एक साथ डाल रही हूँ उसको तोड़ तोड़ के नहीं डाल रही हूँ वरना वो स्ट्रीट स्टाइल लुक नहीं आएगा आपके इंफॉर्मेशन के लिए ये दे देखिए मैं ये वाला पैकेट यूज़ करी मुझे ईजिली मिल गया मार्केट में इसके जो नूडल्स हैं थोड़े से पतले हैं तो मैं यूज़ कर रही हूँ और इसको अच्छे से उबलने देंगे तो यहाँ पे आता है आपका दूसरा ज़रूरी पॉइंट और टिप वो ये है कि इसको हमें उबालना है सिर्फ चार से पाँच मिनट के लिए मीन्स एट्टी परसेंट तक के पकाना है यहीं पे लोग पहली ग़लती कर देते हैं नूडल्स को इतना ज़्यादा ओवर कुक कर देते हैं कि आगे के प्रोसीजर में जब सब्ज़ियाँ सॉसेस डालते हैं तो वो एकदम खिचड़ी सी बन जाती है तो वो गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है वरना आपका टेस्ट ख़राब हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा इसे मिक्स करते जाइए नूडल्स को जैसे जैसे रहे ताकि वो अच्छे से टूट जाए और इवनली बॉईल हो जाए तो करीबन पांच मिनट हो गए अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर रही हूँ इसको छान लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देंगे ताकि इसकी जो कैरी ओवर कुकिंग है मतलब अपनी गरमाइश में पकना बंद हो जाए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और उसके बाद ये देखिए मैं क्या करी इसको कोई भी फैली हुई ट्रे में या फिर थाली में आप ऐसे फैला के रख दीजिए मैं आपको एक नूडल तोड़ के दिखाती हूँ ये देखिए इसमें हल्का सा कच्चापन बाकी है एकदम फटाक से नहीं टूट रहा है बस ऐसा ही आपका नूडल होना चाहिए तो ट्रे में फैलाने से क्या होगा ऊपर की जो सतह है नूडल की थोड़ी सी सूख जाएगी तो आपके सॉसेस इसमें एकदम अच्छे से चिपक जाएंगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहती हूँ मैंने एक स्ट्रीट वाले भैया को देखा था रायपुर के नुक्कड़ में करते हुए वो ना यहीं पे सॉस को डालकर उसको हाथ से इवनली मिक्स कर रहे थे तो मैं भी यहीं पे एक टेबल स्पून सोया सॉस डाल रही हूँ और इसको अच्छे से इवनली मिक्स कर लेंगे अपने हाथों से तो इससे क्या होगा बढ़िया सी कोटिंग आ जाएगी सोया सॉस की सारे नूडल्स में वरना क्या होता है जब हम नूडल डाल के बाद में सॉस से सोया सॉस वगैरह डालते हैं तो काफ़ी मिक्सिंग करनी पड़ती है इवन कुकिंग नहीं होती है और बहुत ज़्यादा भी कुक करना पड़ता है उसको मिक्स करने के लिए तो इन दिस केस एकदम अच्छे से कोट हो जाएगी और आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा सॉस या आपको ज़्यादा कलर चाहिए तो ज़्यादा सॉस भी डाल सकते हैं ये देखिए सारे में मैंने अच्छे से सोया सॉस लगा दिया है इसको बस पांच छह मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे जब तक हम अपनी बाकी की तैयारी करेंगे सोया सॉस भी अच्छे से सेट हो जाएगी तो नेक्स्ट तैयारी हमें ये करना है कि सारे वेजिटेबल्स को कट करना है तो मैं आज ये सारी वेजिटेबल्स यूज कर रही हूँ तो सबसे पहले एक चॉपिंग बोर्ड ले, ले लेंगे उसके नीचे हल्का गीला कपड़ा रख देंगे और उसको अच्छे से ऐसे दबा लेंगे ताकि जो भी वेजिटेबल आप काट रहे हो वो ज्यादा हिले ना तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ प्याज प्याज को ये देखिए ऐसे आधे में काट लेंगे और उसके बाद ये देखिए ये वाला जो हिस्सा है ना लंबा वाला हिस्सा वहाँ पे ऐसे लंबे लंबे स्लाइसेस करते जाएंगे तो आप देख सकते हैं कैसे लंबाई में मैं काट रही हूँ क्योंकि नूडल्स भी हमारे फ्रेंड्स लंबे हैं तो जितने लंबे आप वेजिटेबल्स काटेंगे उतना अच्छा लुक आएगा और एकदम बढ़िया सा टेस्ट भी आएगा और इवन कुकिंग होगी और उसके बाद ये देखिए ऐसे थोड़ा मिक्स मिक्स कर लीजिए तो हमारे लंबे लंबे स्लाइसेस वाले प्याज रेडी हो गए नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिया है गाजर उसको पहले से मैंने छील लिया है और इसको ऐसे लंबे ओवल स्लाइसेस में मैं काट रही हूँ मतलब ओवल गोल नहीं थोड़ा ओवल में काट रही हूँ पहले इस तरफ से काट लीजिए उसके बाद तीन से चार की ठप्पी ले लीजिए ठप्पी बना लीजिए ऐसे ओवल्स की और ये देखिए ऐसे पतले पतले स्लाइसिस में काटते जाइए जैसे जूलियंस होते हैं ना वैसे लेकिन ये थोड़े से मोटे हैं क्योंकि हम गाजर काट रहे हैं देखा आपने बिल्कुल इस तरह से गाजर भी काट लीजिए फिर कैप्सिकम को भी ऐसे बीच से काट लेंगे इसका सीड निकाल देंगे और फिर कैप्सिकम को मैं इस साइड से फ्रेंड्स कट कर रही हूँ लंबाई में क्योंकि इस तरफ से काटने में आसानी होती है आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं इसको भी लंबाई में मैंने काट लिया फिर ये देखिए पत्ता गोभी का आधा टुकड़ा लिया इसकी जो सीड है ये वाला मोटा वाला हिस्सा इसको निकाल देंगे इसको दो टुकड़ों में कर देंगे और इसको जोर से ऐसे मुक्का मार देंगे मतलब थोड़ा सा इसे दबा लेंगे हाथों से ताकि वो हल्का सा फ्लैट हो जाए और फिर इसको ऐसे लंबे लंबे स्लाइसेस में कट करते जाएंगे बस इसको लंबाई में काटते जाइए और बाद में जब आप इसको मिक्स एंड मैश करेंगे ना तो छुट्टे छुट्टे हो जाएंगे एकदम अलग अलग लंबे लंबे लच्छे हो जाएंगे देख सकते हैं आप बिल्कुल इसी तरह से तो फ्रेंड्स बेसिकली जो समय लगता है ना वो सिर्फ वेजिटेबल्स काटने में ही लगता है बाकी गैस के ऊपर तो इसको पकने में सिर्फ पाँच मिनट लगते हैं तो ये देखिए सारी वेजिटेबल्स हमारी तैयार हो गई है नेक्स्ट यहाँ पे बड़े से वॉक में या फिर कढ़ाई में मैं गरम कर रही हूँ तेल तो एक टेबल स्पून भर के मैंने तेल लिया और साइड से ऐसे मैं गिराती जाऊँगी इससे क्या होगा एकदम अच्छे से धुआंदार तेल गरम हो जाएगा और बढ़िया सा स्ट्रीट स्टाइल स्मोकी फ्लेवर आएगा तो फ्रेंड्स आज तो मैं इंडक्शन में बना रही हूँ आप अगर गैस पे बना रहे हैं तो लोहे की कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं इसको मैक्सिमम हीट पे गरम करेंगे डालेंगे बारीक कटी हुई लहसुन बारीक कटी हुई अदरक कुछ हरी मिर्ची और टॉस करेंगे बस 15 से 20 सेकेंड के लिए और फ्रेंड्स इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सारी कुकिंग हमको हाई फ्लेम पे करनी है बढ़िया सा फ्लेवर आएगा और क्रंची रहेंगे फिर मैं डाल रही हूँ प्याज और प्याज को भी बस 30 से 40 सेकेंड के लिए मैं पका रही हूँ बहुत ज़्यादा डार्क बिल्कुल नहीं करना है उसका क्रंच कायम होना चाहिए और इससे पहले कि प्याज गोल्डन uh, ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएंगे उससे पहले ही हम डाल देंगे सारी वेजिटेबल्स तो यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स में डालती जा रही हूँ गाजर कैप्सिकम पत्ता गोभी आप चाहे तो यहाँ पे अलग अलग कलर के कैप्सिकम्स भी डाल सकते हैं वो भी बहुत बढ़िया दिखते हैं तो बस इसको हाई फ्लेम पे फटाफट फटाफट टॉस करते जाएंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे कि स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन बनती है अगर आपने कहीं देखा होगा तो तो बस मैंने दो मिनट के लिए वेजिटेबल्स को पकाया है हल्की से सॉफ्ट हो गए हैं तो इस स्टेज पे मैं फ्रेंड्स डाल रही हूँ स्प्रिंग ऑनियंस मतलब कि हरा प्याज क्योंकि इसको पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है और ये जो है ना थोड़ा सा कच्चा पक्का बहुत अच्छा लगता है उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इसको भी मिक्स कर लिया तो फ्रेंड्स एक चीज़ आपने ध्यान दी होगी कि अभी मैंने नमक नहीं डाला है उससे क्या होगा वेजिटेबल्स काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं और पानी पानी हो जाते हैं और क्योंकि सॉसेस में भी काफ़ी नमक होता है तो अभी डालने की ज़रूरत नहीं है फिर मैं डाल रही हूँ दो टी स्पून सोया सॉस दो टी स्पून रेड चिली सॉस इसके बदले आप ग्रीन चिली सॉस भी यूज कर सकते हैं एक टेबल स्पून भर के टोमेटो सॉस या फिर केचप स्ट्रीट स्टाइल में ये डाला जाता है बढ़िया सा बैलेंस आ जाता है चाउमीन को अगर आपको ज्यादा पसंद है तो ज्यादा डाल दीजिए फिर मैं थोड़ी सी विनेगर डाल रही हूँ अगर आपके पास हो तो डाल दीजिएगा वरना सारे सॉसेस में भी विनेगर होता ही है फिर मेरी पर्सनल फेवरेट दो टीस्पून भर के डाल रही हूँ शेजवान सॉस या फिर चटनी जो भी आपके पास अवेलेबल हो और इसको भी हाई फ्लेम पे फटाफट फटाफट टॉस करते जाएंगे तो फ्रेंड्स ये वाली जो चाउमीन है ना मुंबई के हर नुक्कड़ पे मिलती है एंड वैसे मैं अपने दोस्तों के साथ भी कॉलेज के बाहर खाती थी एक स्टॉल है वहाँ पे वहाँ पे हम गप्पे मारते थे और ये वाली चाउमीन खाते थे उस टाइम में करीबन दस या पंद्रह रुपए की प्लेट मिलती थी तो काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई है मेरी इस चाउमीन के साथ आप कौन से शेयर से देख रहे हैं और आपका कौन सा किस्सा जुड़ा हुआ है इस चाउमीन के साथ मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा मुझे बहुत खुशी होगी पढ़ने में तो फ्रेंड्स आप क्या कीजिएगा सारे वेजिटेबल्स के ऊपर पहले सॉसेस डाल दीजिए क्योंकि सॉसेस का ख़ुद का फ्लेवर होता है और कलर होता है वो अच्छे से छूट जाएगा नहीं तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं नूडल्स के ऊपर सॉसेस डालते हैं फिर उसको इवनली मिक्स करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बार मिक्स कर लेते हैं इतनी देर में क्या हो जाता है चाउमीन नरम हो जाती है और टूट जाती है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है तो अब मैं यहाँ पे डाल दूंगी नूडल्स देखिए कितने अच्छे से सोया सॉस कोट हो गई है इसमें इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा नमक थोड़ी सी काली मिर्ची पाउडर और हरे प्याज का हरा हिस्सा और फिर से इसको हाईएस्ट फ्लेम पे टॉस करते जाएंगे एक लास्ट और मिनट के लिए तो फटाफट फटाफट आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना बढ़िया स्मोकी फ्लेवर आ रहा है धुआं बिल्कुल जैसे कि स्ट्रीट्स में बनती है आप इसका कलर तो देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है बहुत मजे की लग रही है सारे सॉसेस अच्छे से लट बट के गए बिल्कुल जूसी दिख रही है बिल्कुल जैसे कि स्ट्रीट्स में मिलती है बस मेरे तो मुंह में पानी आ गया है बहुत ही माउथ वाटरिंग दिख रही है इसको गर्मा गर्म एंजॉय करेंगे तो फ्रेंड्स इसके साथ अगर आपको 100 परसेंट परफ एकदम लटपटा सॉसी कैबेज मंचूरियन खाना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप वीडियो चेक कर सकते हैं